हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिनको हम एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए मिल सके। तो मैं आपके लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपके डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरा सिलेबस फिर से पढ़ सके और बार बार पढ़ सके, पूरा पूरा पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा आपका। तो जितना टाइम है उस हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं, जिनके क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, तो आप वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, हर चैप्टर वाइज मैंने लिस्ट बनाया है, आप इसको जरूर देख के जाएं और बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएं। ये डेरिवेशन तो आपको आने ही चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। आपके जो क्वेश्चंस हैं, पहला टॉपिक है आपका कूलॉम्स लॉ। इसमें कूलॉम्स लॉ आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको कूलॉम का नियम। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल यानी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये डेरिवेशन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, इसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है। और गॉस की प्रमेय, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये गॉस की प्रमेय आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताकि आपको ये चारों बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में तैयार होने चाहिए, इनमें से एक नए क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में जरूर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आपके ये क्वेश्चन टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडेंसर आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और साथ में इसके बेस न्यूमेरिकल भी देख कर जाइएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पेपर में आता है और लॉन्ग में आ जाता है, इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आपको इसका न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसका सॉरी डेरिवेशन इसका बहुत अच्छे से तैयार करना है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इसी में जब हम आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं कैपेसिटर के बीच में, तब उसकी धारिता क्या होगी। तो कैपेसिटेंस एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक जो बताए जा रहे हैं इनकी आने की 100% संभावना है, इसमें से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी लिस्ट में से मिलेंगे। तो ये डेरिवेशन आपको जरूर से तैयार कर लेना है और इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेने हैं। और अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री में आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि अनुगमन वेग। इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम, इसका डेरिवेशन भी लॉन्ग में आता है आपका और पूरा डेरिवेशन आता है। इसके किरचॉफ के नियम के द्वारा आपको ओम का नियम भी सिद्ध करना होता है, तो ये भी लगा के आपको लॉन्ग में पूछ लेते हैं। तो ये किरचॉफ लॉ आपको बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन तैयार करना है। और अगला है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसका कई बार शॉर्ट में न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी न्यूमेरिकल आ जाता है। ये सारे डेरिवेशन ऐसे होने चाहिए कि आप जितनी बार हो सके, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करते जाएं, जिसको आप जाते ही तुरंत सॉल्व कर सकें। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सोचना पड़े कि इसके आगे क्या था, इसके आगे क्या था, क्योंकि आप अगर पूरा ज़्यादा रिविजन में करेंगे तो आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हो सकता है कि आप वो भूल जाएं। तो इसलिए मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि ये तो गलत हो ही नहीं सकते। आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। ये तीन आप तीनों चैप्टर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। और ये सारे
चैप्टर या तो आप नोट कर लीजिए या तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3, तीन चैप्टर हैं। आप अभी इतना तैयार करिए और बाकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।